हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हमें फिगर में स्प्लैश स्क्रीन को ऐड करना हो तो किस तरीके से हम उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो स्प्लैश स्क्रीन है उसका बेसिकली मतलब ये है कि जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, मैं मेरे कोड को एक बार दोबारा रीस्टार्ट कर देता हूं, तो आप देखिए कि यहां पे आपके सबसे पहले जब भी आपका ऐप लोड होगा तो एक स्क्रीन आएगी और कुछ टाइम बाद, मैंने यहां पे 5 सेकंड का टाइम लगाया है, 5 सेकंड बाद आपने देखा तो वो स्क्रीन आपकी यहां से चली जाएगी। इसी को हम लोग बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहां पे टॉप पे देखेंगे तो आपका जो बैक का बटन है वो भी यहां से डिसेबल हो जाता है, क्योंकि यही आपका जो मेन पेज है वो होता है। तो यही आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। आज का वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहां पे फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने एक जो मेरा मेन डॉट डार्ट की जो ब्लैंक फाइल है वो यहां पे ओपन करी हुई है। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हमारा जो पैकेज है मटेरियल डॉट का वो इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैं ले आता हूं यहां पे वॉइड मेन, और void main के अंदर ये हटा देते हैं, void main के अंदर मेरा आ जाएगा यहाँ पे runApp, और runApp के अंदर मैं एक material app में हम यहाँ पे title डाल देते हैं। लेट्स से हम लोग यहाँ पे splash screen की बात कर दें, LASHSCREN, एक स्क्रीन आ गया मेरा यहाँ पे। इसके बाद जो मेरा होम है वो आ गया, और होम पे मैं क्लास को कॉल करा लेता हूँ यहाँ पे splash स्क्रीन नाम से ही हम लोग एक क्लास भी ले लेते हैं यहाँ पे। अब ये नाम से क्लास बना लेते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि जो क्लास रहेगी हमारी वो एक हमारा विजिट रहेगा। तो मैंने एक यहाँ पे क्लास बनाई और इसको मैं एक्सटेंड करा लेता हूं स्टेटफुल विजिट के साथ। स्टेटफुल विजिट आ गया हमारा, ये जो स्टेटफुल विजिट था मेथड इंपोर्ट करेगा, मेरा मेथड आ गया यहाँ पे, और यहां से मैं रिटर्न करा देता हूं एक स्टेट को। तो मैंने बोला कि हमारा जो ये हो जाएगा, ये स्टेट को हम रिटर्न करा देंगे। अब ये स्टेट बना लेते हैं, तो मैंने बोला क्लास, इसको मैं एक्सटेंड करने वाला हूं स्टेट के साथ, और एक यहां पे हम लिस्ट बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अगेन ये हमारा एरर क्यों आ रहा है, ये स्टेट होगा एक्चुअली में। एक यहां पे भी मेथड मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा, वो भी मैं इधर कर देता हूं। अब इसके अंदर सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक नॉर्मल जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन होने वाला है वो बना लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे रिटर्न करा लेता हूं स्कैफोल्ड को, और सबसे पहला यहां पे मैं एक टाइटल डाल दूंगा सबसे पहला। तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी यहां पर एप बार की। एप बार आ गया मेरा यहां पर, ये जो मेरा एप बार आया इसमें मैं एक टाइटल डाल देता हूं, टाइटल आ गया, इसको हम टेक्स्ट में रैप करेंगे, और यहां पे डाल देता हूं मैं, यही डाल देता हूं स्प्लैश स्क्रीन स्पेस। चलिए ये आ गया हमारा। इसके बाद हमें चाहिए एक बॉडी, और जो बॉडी हमारी यहां आएगी इसको मैं सेंटर में ले लेता हूं सेंटर में। और अब हमें यहां पे क्या करना है कि एक इमेज ले आते हैं यहां पे, जो हमारा स्प्लैश का स्क्रीन हम बनाने वाले हैं यहां पे। इसके लिए मैंने बोला कि भाई मुझे एक चाहिए चाइल्ड, और ये जो चाइल्ड है मेरा यहां पे, इस पे मैं इमेज ले आता हूं। अब इमेज लाने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमारे पास यहां पे एक YAML फाइल होती है, जो कि आपको यहां पे मिलेगी। इस फाइल के अंदर हम हमारे जो पाथ है वो स्पेसिफाई करते हैं, अगर हमें कहीं पे भी कोई इमेज या फॉन्ट या कोई भी ऐसी चीज को यूज करना है। तो मैं इधर आऊंगा और यहां पे जो इमेज हम दिखाने वाले हैं वो डाल देते हैं। तो मैंने मेरे यहां पे एक एसेट्स नाम से फोल्डर के अंदर logo.png नाम से एक इमेज को यहां पे रखा हुआ है। तो मैं इधर आता हूं और यहां पे एक काम करता हूं, स्पेसिफाई कर देता हूं इसे। तो मैंने बोला कि जो मेरा कहां गया ASSETS, जो मेरे एसेट्स हैं उसको मैं यहां पे कुछ इस तरीके से डिफाइन कर देता हूं। इसको कट करते हैं यहां से, और थोड़ा सा एक स्पेस डालते हैं स्लैश
logo.png। अगर ये फाइल, जैसे देखिए अगर मैं कोई ऐसा नाम डाल देता हूं जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप देखेंगे तो ये बोलेगा कि ये भाई ये बात पे एग्जिस्ट नहीं करता। जब मैंने logo.png डाला तो इसने बोला कि ठीक है जी ये एग्जिस्ट करता है। इसको कॉपी कर लेते हैं, और जब मुझे इमेज को यहां पे दिखाना है तो मैं यहां बोलूंगा इमेज, IMAGE इमेज, और ये जो इमेज मैंने यहां पे बनाया है इसके अंदर मैं जो वो इमेज हमने बनाई है वो डाल सकता हूं, या सॉरी इसको हम इमेज डॉट एसेट्स कर देते हैं, और यहां पे मैं मेरी जो इमेज का पाथ था वो डाल देता हूं। अब ये क्या करेगा, हमारा जो स्क्रीन है वहां पे एक सिंपल इमेज को शो कर देगा। तो सबसे पहले चलते हैं और इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा जो हमने अभी तक ये स्क्रीन बनाई है। अब हमें ये चाहिए कि ये जो स्क्रीन यहाँ पे आई है स्प्लैश स्क्रीन, ये थोड़े टाइम बाद अपने आप यहाँ से चली जाए, ऐसा कुछ हमें करना है, और एक दूसरी इसकी जगह पे एक दूसरी स्क्रीन हमारे पास आ जाए। इसकी अगर आप कुछ हाइट विड्थ सेट करना चाहते हैं तो आप इधर डाल सकते हैं, अगर आपको कुछ सेटिंग करनी है तो। लेट्स से मैंने बोला कि इसकी विड्थ 100 कर दी जाए, सॉरी डॉट जीरो कर दी जाए, तो ये क्या करेगा जो इसकी विड्थ है इसको चेंज कर देगा। तो इस तरीके से अगर आप कुछ स्टाइल करना चाहें तो आप यहां पे कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, एक और क्लास बना रहा हूं, ये हो जाएगी मेरी नेक्स्ट SCREN। इसको मैं, ये हमारा हार्ड कोड है कॉन्टेंट, तो मैं इसको बेसिकली स्टेटलेस विजिट के साथ एक्सटेंड करा देता हूं। एक मेथड यहां पे ओवरराइट करना पड़ेगा, मैं वो मेथड ओवरराइट करा देता हूं, और हम ये चाहते हैं कि एक अगली स्क्रीन जो हमें यहां पे दिखेगी उसके लिए मैं रिटर्न करा देता हूं अगेन स्कैफोल्ड को, RETURN स्कैफोल्ड को। स्कैफोल्ड के अंदर एक तो ले लेते हैं भाई हमारा एप बार, और एप बार एक टाइटल ले लेते हैं, टेक्स्ट में रैप कर देते हैं, और यहां पे मैं ये नेक्स्ट स्क्रीन डाल देता हूं। कंटेंट जो हमें यहां पे दिखाना है उसके लिए मैंने ली बॉडी, और मैंने लिया यहां पे सेंटर का बेसिकली यूज करा। सेंटर के अंदर मुझे खाली टेक्स्ट दिखाना है, तो मैं एक बनाता हूं चाइल्ड, एक लेता हूं टेक्स्ट, और यहां पे खाली ये नेक्स्ट स्क्रीन डाल देता हूं, टेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन टेक्स्ट, दैट्स इट। और इसका भी अगर आपको फॉन्ट कुछ ज्यादा बड़ा करना है, कुछ स्टाइल करनी है, तो वो कर सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला स्टाइल, और क्या करना है मुझे टेक्सटाइल करना है, तो मैंने बोला टेक्सटाइल कर दी जाए। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में क्या करना है, जो हमारा फॉन्ट है उसका साइज मैंने बोला लेट्स से बढ़ा के 40 कर दिया जाए, डॉट आएगा यहां पे, तो ये कुछ ये हमारा आ जाएगा। अब हमारा मेन काम ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम बीन के बाद ये स्क्रीन को यहां से हटा दिया जाए। तो उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं कि मैं इधर आता हूं, और यहां पे मैं एक और जो मेरा मेथड है वो ओवरराइट करूंगा। तो मैंने बोला कि भाई एक और मेथड है उसको ओवरराइट करना है, मेथड क्या है void, और जो मेथड मैंने यहां पे लिया वो लिया init state, और यहां पे मैंने बोला super dot init। तो यहां पे मैं बेसिकली क्या करने वाला हूं कि स्टेट के साथ हम लोग यहां पे खेलने वाले हैं। तो हमने बोला कि भाई एक टाइमर लगाया जाए यहां पे, टाइमर आ गया हमारे पास। अब ये जो टाइमर है ये लेगा एक पहला पैरामीटर, और वो हो जाएगा ड्यूरेशन, कि भाई जो टाइमर है आप वो कैसे चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला सेकेंड्स, लेट्स से 3 डाल देते। इस 3 का मतलब यहां पे ये है कि 3 सेकंड बाद हमारी ये स्क्रीन चेंज हो जाए, और चेंज होके क्या हो जाए, तो हमने क्या बोला यहां पे नेविगेटर, जो मैंने आप लोगों को जो मेरा लास्ट वीडियो था वहां पे बताया था, मैंने बोला नेविगेटर डॉट पुश, PUSH। एक मिनट ये देख लें भाई ये क्यों नहीं आ रहा, अच्छा यहां पे मैं कॉमा नहीं डाला मैंने, तो मैंने बोला यहां पे नेविगेटर डॉट पुश,
कॉन्टेक्स्ट राउट, और हम लोग यहाँ पे मटेरियल जो राउट है उसका यूज कर सकते हैं, मटेरियल पेज राउट का। एक्चुअली मैं जो आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा गड़बड़ है इस तरीके में, पर एनीवेज हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ है, उसका क्या सॉल्यूशन है। और कॉन्टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे बोल दिया हमारा जो नेक्स्ट हमने पेज की स्क्रीन बनाई है, यानी कि नेक्स्ट स्क्रीन। मैं काम करता हूं थोड़ा सा मेरा जो ये जो इसको फुल कर देता हूं, जिससे आपको एक ही जगह पे पता चल सके कि हम क्या करते हैं। शायद एक हमारा ये ज्यादा यहां पे ओपन हो गया हुआ है। हाँ जी ठीक है, तो ये देखिए कैसे चलेगा। अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एक बार इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। तो देखिए ये मैंने यहां पे इसको हॉट रीलोड किया। अब ये जैसी मेरी जो स्क्रीन लोड होके आई, अब देखिएगा ये 3 सेकंड बाद, 1, 2, 3, जैसी 3 सेकंड मेरे कंप्लीट हो गए तो ये क्या करेगा, मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे रीडायरेक्ट कर देगा। मैं इसे 5 कर देता हूं तो शायद आपको थोड़ा सा पता चलेगा। इसको एक बार हम बैक करते हैं, एक बार दोबारा मैं रीलोड करता हूं इसे, हॉट रीलोड। और अब देखिएगा जैसे ही मेरे 5 सेकंड कंप्लीट होंगे ये क्या करेगा, मुझे दूसरी मेरी स्क्रीन पे ले जाएगा। तो ये स्प्लैश स्क्रीन एक तरीके से सेट हो गया, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू है। इशू ये है कि ये बैक का बटन आ रहा है। आइडियली क्या होना चाहिए था यहां पे, ये बैक का बटन आपका नहीं आना चाहिए। जब मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूं, मैं एक दूसरी स्क्रीन पे जा रहा हूं, तो मेरा आइडियली ये जो स्क्रीन है ये नहीं आना चाहिए। उसके लिए मुझे ये जो मैंने नेविगेटर डॉट पुश का यहां पे यूज करा था, इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये जो हमने बनाया है नेविगेटर, मैं इसको यहां से हटा देता हूं और इसकी जगह पे हम लोग यूज करते हैं ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और हम लोग यहां पे यूज करेंगे पुश रिप्लेसमेंट का। पुश रिप्लेसमेंट ये क्या करेगा, ये हमें जब हमारा ये एग्जीक्यूट होगा तो हमें जो बैक का बटन आ रहा है वो यहां पे नहीं देगा। तो यहां पे मैंने बोला कि जो मेरा मटेरियल राउट है वो आ जाएगा, मटेरियल पेज राउट। बाकी जो हमारा जिस तरीके से चल रहा था वो चीजें हमारी उसी तरीके से ऑलमोस्ट आ जाएंगी। तो यहां पे बिल्डर आया, इसके बाद थोड़ा सा यहां पे चेंज होगा। यहां पे हमें एक बनाना पड़ेगा, BUILD कॉन्टेक्स्ट, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे हम। और यहां पे मैं यूज करूंगा कॉन्टेक्स्ट का, और यहां पे मैं बोलूंगा कि जो मेरी अगली स्क्रीन है वो मेरी यहां पे ये नेक्स्ट स्क्रीन होनी चाहिए। तो ये खाली ये करेगा यहां पे कि जो हमारा जब ये रन होगा तो हमारा बैक का बटन ये लेके नहीं आएगा। एक बार देखिए चलते हैं हम इधर, मैं दोबारा ये जो मेरा था यहां पे इसको रीस्टार्ट करता हूं। देखिए लोड हुआ। अब जब ये रीड मेरे को स्क्रीन मेरा चेंज करेगा तो देखिए ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया मेरा, और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपका जो बैक का बटन था वो चला गया। सो ये बेसिकली आप तरीका यूज कर सकते हैं। ये 5 सेकंड है, आपको 3 सेकंड बात करना है, आपको 2 सेकंड बात करना है, जैसा भी आपको करना है वो आप यहां से उसे मैनेज कर सकते हैं। मैंने यहां पे बिल्कुल सिंपल मेरी एक स्क्रीन बनाई है, ये वाली स्प्लैश वाली। आप चाहें तो आप इसके लिए कुछ इसको अच्छे से भी डिजाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसके लिए एक सेपरेट पेज भी बना सकते हैं, जिससे कि आपके हर पेजेस के लिए आप अलग अलग फाइल भी बना सकते हैं, कि थोड़ा सा कोड जो होता है आपका मेन डॉट डाट का वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मैनेज थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से हो जाता है। यहां पे हमारे 2 ही पेज थे इसलिए मैंने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो स्प्लैश स्क्रीन के बारे में। सो फ्रेंड्स आई होप जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको समझ आया होगा। कहीं पे अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।